मुजफ्फरपुर जिला में दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस बैंड बाजा के साथ इश्तेहार लेकर पहुंची और ग्रामीणों के समक्ष डुगडुगी बजाते हुए उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया और आरोपी के परिजनों को पुलिस ने सख्त हिदायत भी दिया कि आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र में बीते महीने गांव के ही हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेराई गांव निवासी एक युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था और घटना के बाद पीड़िता ने मामले को लेकर हथौड़ी थाना में आरोपी युवक रोशन झा के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। वही पीड़िता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी रोशन फरार हो गया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी लेकिन वह पकड़ा नहीं गया, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से इश्तेहार की प्रक्रिया अपनाते हुए आज आरोपी के घर पर पहुंची और डुगडुगी बजाते हुए और माइक से आरोपी को चेताया कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसके घर की जल्द कुर्की जब्ती की जाएगी। और तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज खबर अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं सबसे बहुत बड़ी खबर अभी आपको मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र का यह मामला जो है अभी आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं डुगडुगी बजाकर जो है उसे जो है चेतावनी दिया जा रहा है और आत्मसमर्पण करने को लेकर जो है पुलिस के द्वारा जारी किया जा रहा है। तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं इश्तेहार जो चिपकाया जा रहा है, जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज खबर। सुनो सुनो भाई ग्रामवासी सुनो, रोशन झा पिता अशोक झा ग्राम बेरई थाना हथौड़ी जिला मुजफ्फरपुर, इनके खिलाफ माननीय न्यायालय से रेप केस का इश्तेहार निर्गत हुआ है जिसकी तामला की जा रही है। यदि वह माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किए तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाएगा। बढ़िया तृप्त हो गया। हथौड़ी थाना कांड संख्या 131-24 में एक FIR हुआ जिसमें बेरई गांव के रोशन झा पिता अशोक झा ये रेप केस के अभियुक्त थे, जिसमें हम लोग नए धारा में केस किए 64 BNS, पुराना में हो गया 376 और नया में अभी BNS में हो गया 64 BNS। उसमें हम लोग वारंट लिए थे और इनके घर पर बार बार छापामारी की जा रही थी लेकिन ये घर से फिरार बार बार पाए जा रहे थे। तो हम लोग माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन दिए इश्तहार के लिए, तो कल इश्तहार माननीय न्यायालय से निर्गत हुआ। हम लोग बैंड बाजा के साथ है इश्तहार चपका दिए हैं और उनके घर के वाले जो परिजन थे वो लोग भी कहे हैं कि 2-3 दिन में हम लोग माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करा दें। इश्तहार चपका दिया गया, अगर नहीं आत्मसमर्पण वो लोग कराएंगे तो फिर हम लोग प्रतिवेदन देंगे कुर्की के लिए और आदेश हो गया माननीय न्यायालय से तो हम लोग इनके घर को कुर्क कर लेंगे, चलो चल संपत्ति को कुर्क कर लेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।